हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 27,000 पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन इसमें लिए जा रहे हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 3 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। और इस बार जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के साथ साथ टेक्नीशियन के भी पद हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस जोन में कितने जो है पद हैं। तो अभी भी कुछ सारी क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की, वो पूछ रहे हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए आवेदन करने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए आवेदन करने के लिए आपकी एज 1 जुलाई 2018 को 18 साल से अधिक और 28 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन नियमानुसार जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको छूट भी प्राप्त है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास हैं और उन्होंने निम्नलिखित किसी भी ट्रेड में ITI किया है वे आवेदन करने के योग्य हैं। जैसे कि अगर किसी ने ITI किया है आर्माचर एंड कोल वाइंडर में, या फिर इलेक्ट्रीशियन में, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या मैकेनिस्ट में, या फिर मैकेनिक डीजल में, या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल में, या फिर मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में उन्होंने ITI किया है, या मैकेनिक रेडियो एंड TV में उन्होंने ITI किया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक में उन्होंने किया है ITI, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, तो ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं पास हैं और इन ट्रेड्स में ITI हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है, वे आवेदन करने के योग्य हैं इस विज्ञप्ति में। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट में ऐसे अभ्यर्थी जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की है लेकिन उपर्युक्त किसी भी स्ट्रीम में उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान अध्ययन किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है उसमें जो लोग आवेदन करेंगे उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार से है कि कैंडिडेट 10वीं पास होने चाहिए और उन्होंने ITI की हो और अप्रेंटिसशिप इन द रिलेवेंट ट्रेड में उन्होंने पूरा किया हो। तो फ्रेंड्स, आवेदन करने से पहले आपको मूल विज्ञप्ति अवश्य देनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगी और उसमें ये दिया गया है कि अगर आप जिस पद के सापेक्ष आवेदन कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो कृपया वो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से है, उसको आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। मैं तीनों ही जगह इसको शेयर कर रहा हूँ, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपनी एलिजिबिलिटी आप खुद निर्धारित कर लीजिएगा कि आप किस पद के लिए योग्य हैं और उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आप हमसे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, आपकी मदद करके हमें खुशी मिलती है। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद।